चाहते हैं जो एक इम्पोर्टेंट बात है, आपने अभी बात की कि जब आपने सिंधिया स्कूल में आप एक फोर्ट में रहते थे और ग्रीनरी और ये जो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो होता था, क्या इसको आप रेप्लिकेट कर रहे हैं अब अपनी यूनिवर्सिटी जो जिस पर आपका कॉन्सेंट्रेशन अब जारी है? वो जो मेरे कुछ साल किले में 130 एकड़ में सिर्फ 600 स्टूडेंट्स, उसका एक जरूर प्रभाव पड़ा, लेकिन मुझे फॉरेस्ट और ग्रीनरी से बहुत वैसे बहुत ज्यादा लगाव है, तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसी तरफ भागने की कोशिश करता हूँ। जो NIT की कॉन्फ्रेंसेज भी होती हैं, वो आप अगर लोगों से पूछेंगे तो यहाँ तो भूटान में होगी या फिर हिमाचल में या ऐसी कहीं जगह कॉर्बेट पार्क में चले गए, वाइल्ड लाइफ की तरफ चले गए, तो वो एक शुरू से इंटरेस्ट रहा है। और अब जो हम एक यूनिवर्सिटी NIT यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, 100 एकर्स है लेकिन साथ में एक छोटी सी अरावली हिलॉक है 700 एकड़ की, तो गवर्नमेंट को हमने कन्विंस किया कि भाई ये तो इलीगल माइनिंग हो रही है, आप हमको दे दीजिए और हमारे स्टूडेंट्स को ग्रीन करेंगे। तो उसमें भी यही अटेम्प्ट कर रहे हैं कि एयर कंडीशनिंग ना यूज हो, और अर्थ के नीचे हमने 16 किलोमीटर के टनल बनेंगे 400 फुट पे, जिससे कि अर्थ को यूज किया जाए कूल करने के लिए। और पूरे कैंपस में फाइनली जब 7,500 स्टूडेंट भी होंगे रेजिडेंशियल, तो हमारा प्लान ये है कि नीमराना जैसी जगह राजस्थान में हम बाहर से पानी लाएंगे, अपना ही पानी सर्कुलेट करेंगे। तो एक जो कॉन्शियसनेस यूथ में लाने की जरूरत है नेचर के लिए, एक रिस्पेक्ट और लव, वो क्लास में नहीं सिखाया जा सकता, वो पेड़ लगा के और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके भी पानी भी इतना ही है, उनको एक सिखाया जा सकता है एक तौर से। लेकिन ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या सिखाया जाएगा, कौन कौन से स्टूडेंट्स उसको देख सकते हैं? हमारा आइडिया ये है कि जो एक सोसाइटी में एक पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा में आ गई, नॉलेज सोसाइटी में आ गई, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में, तो हमारा ज्यादा एम्फेसिस होगा वो सब्जेक्ट जो आगे फ्यूचर में जरूरी होंगे, जिसमें कंप्यूटर साइंस होगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आपने मेरी काफी बातें सुनी रिसर्च के बारे में कि एजुकेशन को साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे एक जाए, उसमें PhD प्रोग्राम्स होंगे, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये तो हमारे स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन आगे हम चाहते हैं कि लिबरल आर्ट्स भी हो और मैनेजमेंट प्रोग्राम भी हो, एक होलिस्टिक एजुकेशन की बहुत जरूरी है, बजाय कि बहुत स्पेशलाइज नैरो डिसिप्लिन, हम ये चाहते हैं कि हर स्टूडेंट को एक ऑप्शन मिले अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कि वो अलग अलग कोर्सेज का अपने एक पूरा एक जैसे ओपन ऑप्शन बुफे ऑप्शन होना चाहिए कि भाई ये भी करना है वो भी करना है, और वो अपनी चॉइस के मुताबिक अपने कोर्सेज पसंद करें और बड़े वाइड डिस्पर्स एरिया पे लें, लेकिन सब्जेक्ट वही जो आगे